नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम के 4:30 बजे है, वक्त है हमारी और आपकी मुलाकात का। मैं हूँ शिवदयाल और मेरे साथ है सुमित। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। ये कार्यक्रम आप तक लाए हैं बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जिसे बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। बटरफ्लाइज एक ऐसी समाज सेवी संस्था है जो पिछले 27 सालों से बच्चों के विकास, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। जल, थल और आकाश में उड़ते फिरते कीट, कोई छोटा कोई मोटा कोई लंबा फीट, इस जगत और संसार में अपना परचम रहे फैलाएं, कोई लाभदायक हमारे लिए और कोई बीमारी दे फैलाएं। अरे भाई, आज क्या हो गया तुमको जो आज कीट पतंगों की बात कर रहे हो? अरे मेरे दोस्त, ये बरसात का मौसम है और जगह जगह पर कीट पतंगों का ढेर है। जहाँ पर देखो कीट ही कीट और कोई जगह ना मिले सटीक। हाँ यार, सही कह रहे हो यार। कीट होते बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर किसी को काट दें तो बड़ी परेशानी दे जाते हैं। अपने आसपास आज तुम देखते होंगे कि मच्छर, मक्खी और कीड़े मकोड़े कैसे हमेशा मंडराते रहते हैं। हाँ यार, मच्छर को सुनकर याद आया कि हमारे मोहल्ले में मच्छरों ने तो आतंक मचा रखा है। आतंक ही नहीं और एक बीमारी भी फैला रहे हैं जिसका नाम है डेंगू। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं हमारे कुछ बाल साथियों से और जानते हैं कि आखिर मच्छर डेंगू कैसे फैलाते हैं। मेरा नाम साहिल है और डेंगू एक बीमारी है जो कि भारत में बहुत होती है वर्षा के कारण। मेरा नाम विवेक है और यह एडिस नाम का एक मच्छर है जो रात के मुकाबले दिन में ज़्यादातर काटता है और यह डेंगू का एक वायरल है। मेरा नाम अमन है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो हर साल आती है और इससे लाखों करोड़ लोग बीमार हो जाते हैं। मेरा नाम जुनेद है। कभी भी बारिश हो रही हो, तुम्हें लगता है डेंगू चल रहा है तो फुल बाजू के कपड़े पहने। मेरा नाम रोहित है। डेंगू का मच्छर हमेशा साफ पानी में पनकता है और अब अपने घर के आसपास गड्ढों में साफ पानी जमा ना होने दे, उसे निकाले। देखो सावन आयो रे, देखो सावन आयो रे, डाली डाली रंग बरसा, देखो सावन आयो रे। बूंदों से जादू छलका गया, बदरा मुरझा मनवा जागे, दर्पण सजा सुनहरा, भीगे नैनों में सपना प्यारा लागे, भीनी भोर ये आशा लिए आई है अंगना मोरी, सतरंगी साज से सुर सजा बीने मधुर ये होरी, डाली डाली रंग सायो रे, देखो सावन आयो रे, देखो सावन आयो रे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से और यह कार्यक्रम आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन और आज हम बात कर रहे हैं डेंगू के विषय पर। डेंगू एक बीमारी है जो एडिज नामक मच्छर के काटने से होती है। इसके हो जाने पर तेज बुखार, जोड़ों में दर्द और थकान महसूस होने लगती है। दोस्तों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेंगू के कई सारे इलाज और बचाव के तरीके बताए हैं। आइए इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं एम्स के डॉक्टर अश्विनी रंजन भैया से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर अश्विनी भैया, आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
डॉक्टर भैया, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि डेंगू है क्या और ये कहाँ से आया है। डेंगू एक्चुअली एक वायरस है और ये वायरस मच्छरों में उनके सेलिवरी ग्लैंड में पनपता है, यानी सेलिवरी ग्लैंड यानी जहाँ से हम लोग के खाते समय लार आती है ना, जो सलाइवा आता है जिससे खाना पचता है, वो मच्छरों में भी होता है। तो उसके अंदर ये डेंगू का जो वायरस है वो एडिस नाम का एक मच्छर होता है, उस मच्छर के सेलिवरी ग्लैंड में ये वायरस जमा हो जाता है। फिर जब वो मच्छर किसी को काटता है तो काटते समय उसका कुछ सलाइवा, कुछ लार उस मरीज के अंदर चला जाता है और उससे वो वायरस उसके अंदर पहुंच जाता है। 2-3 दिन होते होते उस मरीज को पांव हाथ में दर्द होने शुरू होते हैं, तेज बुखार होना शुरू होता है और वो डेंगू बुखार से ग्रसित हो जाता है। डेंगू बुखार और आम बुखार में क्या अंतर है? डेंगू बुखार और आम बुखार में 3 मुख्य अंतर है। पहला तो ये कि जब डेंगू बुखार किसी को होता है तो उसके शरीर में, हड्डियों में बहुत तेज दर्द उठता है, जो दर्द आम बुखार के साथ जनरली नहीं होता है। दूसरा ये कि आम बुखार में जो फीवर होता है, बुखार होता है, वो जनरली हल्का रहता है और डेंगू बुखार का जो फीवर है वो बहुत तेज और बहुत लंबे समय तक रहता है। तीसरी बात ये कि डेंगू फीवर में ये चांस होता है कि आपके नाक से, मसूड़ों से खून निकल सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि डेंगू बुखार हमारे शरीर के प्लेटलेट पे असर करता है और वो खून को जमने को कम कर देता है, इसलिए खून पतला हो जाता है और वो कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है आपके बॉडी में। तो इसलिए डेंगू बुखार खतरनाक भी है और आम बुखार से अलग भी है। अगर किसी को डेंगू बुखार हुआ है तो पहले तो इन 3 लक्षणों से आप पहचान जाएंगे। पहचानने के बाद डेंगू बुखार में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उसको सही मात्रा में पानी मिलते रहना चाहिए, वरना खून और गाढ़ा हो जाएगा और उसके प्लेटलेट टूटने के चलते ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाती है। तो पानी को सही मात्रा में मरीज को देते रहना बहुत ज़रूरी। सही मात्रा का मतलब ये है कि अगर वो 10 साल से ऊपर के हैं तो कम से कम 4 लीटर पानी, और 10 साल से नीचे हैं तो 2-3 लीटर पानी दिन भर में कम से कम ज़रूर पिएं। और पानी पीने के साथ साथ ORS भी लिया जा सकता है, सिकंजी पी जा सकती है, नींबू पानी जूस पिया जा सकता है। ये पानी की मात्रा अपने शरीर में डेंगू फीवर में सही रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि बुखार के समय अगर वो खाना नहीं खा पा रहा है, अगर वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है और कहीं से भी थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसे डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और वहां जा कर के अपने प्लेटलेट की टेस्ट और ESR एक जांच होती है, वो दोनों करानी चाहिए। अगर किसी को डेंगू हो जाए तो क्या करे और कहां जाए? देखिए, अभी दिल्ली में जगह जगह पे मोहल्ला क्लिनिक बनी हुई है, वो सारी मोहल्ला क्लिनिक ये प्लेटलेट की जाँच करती है और ESR की जांच करती है, क्योंकि अस्पताल वैसे दिल्ली सरकार के अंदर जो 38 अस्पताल हैं सरकारी, उन सब में भी डेंगू की सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन मान लीजिए आप उन अस्पतालों में नहीं जाना चाह रहे हैं या वो दूर है, तो आप कम से कम मोहल्ला क्लिनिक में जा करके अपनी ये जांचें जरूर करा सकते हैं जो मुफ्त में होती हैं वहाँ पे। दूसरी बात ये है कि इन जांचों को तुरंत कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फीवर आपको 2 दिन से ज़्यादा रह रहा है, अगर उस फीवर में आपको कमजोरी ज़्यादा है, हड्डियों में दर्द ज़्यादा है और ब्लीडिंग है, तो आप जांच के लिए भागें, बिल्कुल तुरंत परेशान होने की बात नहीं है। पहले 2-3 दिन आप अपने शरीर में पानी की मात्रा सही रखिए, 3 टाइम जब खाएंगे आप तो आपके शरीर में नमक रहेगा, तो ही आप इतनी पानी की मात्रा बना सकते हैं। तो खाने और पीने का ध्यान उस समय फीवर में बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर भैया, डेंगू क्या ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है? डेंगू बुखार एक ऐसा बुखार नहीं है जो किसी को दूसरे, एक आदमी को हो तो दूसरे को छूने से या खाने से या किसी और चीज़ से फैलेगा। लेकिन इस बात की चांसेस रहती हैं कि अगर डेंगू बुखार के मरीज को एक नॉर्मल मच्छर भी काटता है और फिर वो नॉर्मल मच्छर किसी और को काटेगा तो उसको डेंगू बुखार हो जाएगा। इसी कारण से हम ये देखते हैं कि एक परिवार में एक साथ कभी कभी 2-3 लोगों को डेंगू हो गया, क्योंकि जिसको पहले डेंगू हुआ उसको हमने मच्छरदानी में ढक के रख के नहीं सुलाया, तो अब उसको कोई नॉर्मल एडिस मच्छर भी काटा और फिर वो, क्योंकि घर के आसपास बाकी लोग भी खुले में सो रहे हैं, वो दूसरे किसी को काटेगा, तो इस तरह से एक बंदे का डेंगू बुखार दूसरे तक जा सकता है। भैया, अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डेंगू की समस्या को हम लोग 3 अलग-अलग स्तर पे ठीक करते हैं। एक अपने स्तर पर जब हम घर में मच्छरदानी लगाते हैं या क्वाइल लगाते हैं, ओडोमॉस क्रीम लगाते हैं, पूरे कपड़े पहन के रहते हैं ताकि मच्छर ना काटे। दूसरा लेवल है परिवार के लेवल पे, जब हम लोग जैसे शाम में खिड़कियां बंद किए ताकि घर में मच्छर ना आए, घर के आसपास कोई पानी जमा ना होने दिए,
घर के छप्पर पर कोई ट्यूब टायर नहीं पड़ा हुआ हो, कोई कचरा खुला हुआ ना पड़ा हुआ डब्बा जिसमें पानी जमा हो उसको हटा दिए, तो ये हम परिवार के स्तर पर कर सकते हैं। अब तीसरा स्तर आता है कम्युनिटी यानी समुदाय यानी समाज के स्तर पर। इसमें क्या है, हमारे घर पर सफाई है लेकिन हमारे पड़ोसी के घर ने टंकी खुला रखा है और उसके छत पे अगर गंदगी जमा है तो हमारे बच्चों को डेंगू होने का उतना ही चांस है। अब हमें क्या करना चाहिए कि हम वो पूरे समाज को साथ लेकर के कम से कम हफ्ते में एक दिन एक घंटे का एक ड्राइव करना चाहिए जिसमें हम लोग हर घर में जाएं। अगर वो सफाई नहीं करना चाहते हैं तो उनकी जगह हम सफाई कर दें, क्योंकि उनके घर की सफाई करने से हमारे बच्चे सुरक्षित हो रहे हैं, हम सुरक्षित हो रहे हैं। तो जब ये तीनों लेवल पे काम होगा, अपने लेवल पे, परिवार के और समाज के लेवल पे, तो हम लोग अपने मोहल्ले से और आसपास से इसको हटा पाएंगे। अब चौथी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो सरकार प्ले करती है कि वो लोगों में टेमोफास टैबलेट बंटवाए, जो भी जगह जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रही है उन जगहों को नाप बनने दे, जैसे जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं जहाँ पे नई बिल्डिंगें बन रही हैं, इन सब जगहों पे पानी बहुत जमा होता है। तो ये MCD की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को भी साथ मिले मुहिम में और इन सारे जगहों को भी साफ कराए। मेरा बस यही संदेश है कि आप लोग कोशिश करें कि तीनों स्तर पे कुछ कुछ काम करें और इसको अपने परिवार में अपने बच्चों को ना होने के लिए बगल वालों के घरों के भी सफाई पे ध्यान दें। डॉक्टर अश्विनी भैया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मुझसे बातें करी। निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे रागी, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे रागी, निकल पड़ो रे। अरे नामुमकिन भी मुमकिन होवे करके देखो रे बंधु, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे रागी, निकल पड़ो रे। आसपास की साफ सफाई है इसका इलाज, होगा स्वस्थ जन जन, स्वस्थ होगा समाज। आसपास जो होगा इकट्ठा साफ पानी, मच्छर पनपेगा उसमें, जन जन को होगी हानि। तो दोस्तों, जाना आपने आसपास की साफ सफाई न होने से और साफ पानी इकट्ठा होने से डेंगू का मच्छर पनपता है, तो साफ सफाई रखे और कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दे। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। हमारा फोन नंबर है 9870168989। आप हमें अपने विचार फोन पर SMS या WhatsApp कर सकते हैं। नंबर एक बार दोबारा सुन लें, 9870168989। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन, केयर ऑफ बटरफ्लाइज, U4 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110016। आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। श्रोताओं, अगर आपकी उम्र 9 से 16 वर्ष के बीच है तो आप इस कार्यक्रम में एक रेडियो पत्रकार के रूप में भी जुड़ सकते हैं। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो हमें स्टूडियो में आकर भी किसी भी विषय पर अपनी राय रिकॉर्ड करवा सकते हैं। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम हमारे आसपास और देश दुनिया को बच्चों की नज़र से देखने, दिखाने, सुनने, सुनाने की कोशिश है, ताकि बड़े बच्चों के दिलों की हलचल को सुन और समझ पाए और उनके बीच का फासला कुछ कम हो जाए, ताकि ये दुनिया बच्चों के लिए सुरक्षित और दोस्ताना बन पाए। जाते जाते एक आवश्यक सूचना देना चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम का समय अगले सप्ताह से 4:30 से बदलकर 4:45 हो गया है। तो दोस्तों, सुनना ना भूले हर बृहस्पतिवार शाम 4:45 AR FM रेनबो पर कार्यक्रम बच्चों की नज़र से। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।